क्योंकि मैं ऐसे गरीब और किसान जिसने अपनी आंखों से गरीबी का दर्द, अगर प्रतिभा है, टैलेंट है, पैसे नहीं है, तो मन कितनी निराशा और हताशा से भरता था। हमने तय किया है बेटा बेटियों कि बच्चे अगर 12वीं में 75% लाएंगे तो लैपटॉप तो देते ही देते हैं, उसके पैसे तो मिलते ही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मेधावी विनायक के तय किया कि उनका एडमिशन, उनकी मेहनत अगर मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIM में होगा, कहीं और उच्च शिक्षण संस्थान में होगा, यूनिवर्सिटी में भी होगा, तो फीस बहुत ज्यादा होती है। किसान परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार ये फीस भर सकते, तो अब उन बच्चों की फीस उनके मम्मी भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? भरवाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तय किया कि रोजगार एक बड़ी समस्या है, पढ़ने आखिर बच्चे कहां जाएं, उसके रास्ते भी निकाले। एक तरफ शासकीय नौकरियों में भर्ती किया, 15 अगस्त तक 1 लाख भर्तियां हो जाएगी। दूसरी तरफ हमने तय किया बच्चों को इसके एक योजना भी लॉन्च हो रही है, 13 अगस्त को उस योजना का मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। बेरोजगारी भत्ता नहीं, अरविंद जी कह रहे थे, चिड़ो घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि हर सके। हम बच्चों को काम सिखाएंगे कंपनीज में, वैकेंसी निकल रही है, पर काम सीखने और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिया ताकि वो काम सीखे। स्किल्ड के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ये तो मैं इसलिए बाकी बच्चों की भी मदद कर सको। इस मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए बैंक बच्चों को लोन देगा, गारंटी भी मामा लेगा, बीजेपी की सरकार लेगी और ब्याज की संदेगे। हम बच्चों को स्किल बनाने के लिए ग्लोबल स्किल पार्क जैसे कई IIT बना रहे हैं, को ऐसा काम सिखाया जाएगा जिसमें परमानेंट रोजगार मिल जाए। और ये इंटर्नशिप की योजना जिसके अंतर्गत आप फील्ड में हो, ये भी दुनिया की सबसे बड़ी इंटर्नशिप योजना है, अनुभव सिखाएगी। एक नहीं, ऐसे कह रहे हैं जिससे बच्चों का भविष्य बेहतर बने। मेरे बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशा से प्रारंभ की है, और 6 महीने पहले जो बच्चे आए थे माता के आगे भी तुम्हें काम करना है, क्योंकि मुझे जरूरत है। एक तरफ केवल सरकारी तंत्र अपना काम करता है, लेकिन जब तक सरकारी तंत्र और जनता के बीच में कोई ब्रिज नहीं बनता, तब तक चीजें ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाती, और इसलिए तुम जनता और सरकारी तंत्र के बीच में पुल का काम करोगे, ब्रिज का काम करोगे। आपके माध्यम से मैं जितनी योजनाएं हैं उन सबको, जैसे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, अब ये योजना मैंने क्यों बनाई? मेरे बेटा बेटियों, बचपन में देखा था बेटा और बेटियों में घर में ही भेद किया जाता है, बेटे को ज्यादा लाभ और बिटिया को कम प्यार। बेटी को सबकी बात नहीं करता,
लेकिन कई बार बोझ माना जाता था। तब मेरे मन में यह जिद पैदा हुई क्योंकि सेक्स रेशियो बहुत गड़बड़ हो रहा था। 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां जन्म ले रही थी और ये भेदभाव भगवान नहीं कर रहा था, इंसान कर रहा था। वैज्ञानिक साधनों से अगर ये पता चल गया कि कोख में आने वाला कौन है, बेटा है कि बेटी है, बेटा है तो जन्म लेने दो और बेटी है तो कोख में ही मार दो। कोख को कतल खाना बना दिया था, कई लोगों ने कतल खाना बना दिया था। और तब मैंने संकल्प लिया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, बेटी को वरदान बना के चैन की सांस लूंगा। और तब हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी और उस योजना में तय किया कि बेटी के जन्म से ही 2 बेटियों तक उसके माता पिता के पास 30,000 रुपए का बचत पत्र जमा कर देंगे, उसके विस्तार में नहीं जाता। लाडली लक्ष्मी योजना, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, 30% पुलिस की भर्ती में, ऐसे अनेकों कदम उठाए बेटियों की शादी। लेकिन मैंने अंत में देखा कि गरीब बहन अगर होती है, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहन, तो 1000 रुपए की भी जरूरत पड़ जाए, अगर बेटा बेटी गोद में आके कहे मम्मी मेरी फिराक फट गई, मुझे नई फिराक दिला दे। माँ की इच्छा होती है कि बच्चे को दिला दूं, लेकिन पैसा पास नहीं होते तो मजबूर हो जाती है। उसकी आत्मा रोती थी, माँ आइसक्रीम दिला दे, माँ किताब दिला दे, छोटी मोटी बीमारी आई तो दवाई दिला दे, वो माँ मजबूर होती थी। और इसलिए मैंने तय किया कि अपनी बहनों को मजबूर नहीं रहने दूंगा, मजबूत बनाऊंगा। और इसलिए लाडली बहना योजना बना के तय किया कि ऐसी हर बहन के खाते में हर महीने 1000 रुपया डालूंगा ताकि मैं मजबूर ना रहे, बहन मजबूर ना रहे। अब ये सब काम, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो, एक काम और, एक किसान सम्मान निधि, जिनके नाम छूट गए हो उनके नाम जोड़ना है। लाडली बहना में भी, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में भी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ में भी लोगों को एजुकेट करना है, बच्चों की मदद करना है। ये सारी योजनाएं ये हमको ठीक ढंग से लागू करवाने में मदद करना है। बोलो सब करेंगे, पीछे तक बताओ करेंगे, क्योंकि ये काम है हमारा, लोगों को योजनाओं का बेहतर लाभ दिलवाना, कठिनाइयां समझना, उनको दूर करने का प्रयास करना। सीएम फैलो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे और तुमको गाइड करने का काम सीएम फैलो करेंगे। सीएम फैलो हमारे जुड़े रहेंगे, आप सबको पता है स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस है, और मेरे पास भी रिपोर्ट आती रहेगी कि दिक्कत और गड़बड़ है तो उस दिक्कत को कैसे ठीक किया जाए। यह साधारण काम नहीं है, सीएम जनसेवा मित्र मतलब लोगों की सेवा करके उनकी जिंदगी बदलने का अभियान है। सीएम जनसेवा मित्र मतलब लोगों की कठिनाइयां समझ के अगर तुम मुझको ये बताओगे कि मामा इस योजना में ये खामी है तो इसको दूर करो, तो मामा उस खामी को भी दूर करने का काम करेगा ताकि लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम जो हमारी तरफ आया है। और देखो बेटा बेटी, ये एक्सपीरियंस है जो तुम्हारे काम आएगा। और एक बात और सुन लो, ये योजना मैं अगली सरकार भी जब अपनी आएगी तब भी चलाऊंगा, इसको बंद नहीं करूंगा। क्योंकि इसकी जरूरत हमेशा रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी। और इसलिए सीएम जनसेवा मित्रों की काम लगातार जारी रहने वाला है ताकि हम ठीक से जनता के और सरकार के बीच में पुल बनकर काम कर सकें।
बस मेरे बेटा बेटियों, तुम ठीक से अपना काम करो और तुम्हारे भविष्य की जवाबदारी अपने माँ बाप को सौंप दो। तुम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाओ, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने की चिंता तुम्हारा मामा करेगा। आओ मेरे बेटा बेटियों, हम सेवा का एक नया इतिहास रचें और लोग ये सोचें कि सीएम जनसेवा मित्र हमारे विश्वास है, हमारी आस है, ये हमारी जिंदगी बनाने वाले हैं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरे विश्वास की कसौटी पर खरे उतरोगे। आओ मेरे बेटा बेटियों, मेरी जिंदगी तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए समर्पित है। मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बदल सका तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा और इस काम में मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। तो सबका सहयोग मिलेगा, पीछे वाले भी बताएं सबका सहयोग मिलेगा, सब मिलकर मेहनत ईमानदारी से काम करेंगे, बेहतर एक्सपीरियंस गेन करेंगे, अपने अनुभव से मुझे अवगत कराते रहेंगे। हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे और मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलने का काम करेंगे। मेरी तरफ से तुम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब आशीर्वाद, खूब आगे बढ़ो, लोगों की बेहतर सेवा करो और अपने मम्मी पापा का नाम भी रोशन करो। और मम्मी पापा के साथ मामा का भी नाम रोशन करोगे। तो आओ आज से हम नई शुरुआत करें मध्य प्रदेश के विकास की, मध्य प्रदेश के नवनिर्माण की और जनता के कल्याण की। मिलके मामा भांजे और भांजिया साथ काम करते हैं और एक नया इतिहास रचते हैं। सेनानी करो प्रयाण अभय, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है ये।